बस्ती के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, ये तो माताएं बहनों और सोसाइटी के सभी निवासियों, भाई बहनों, मेरे साथ पधारे सभी चेयरमैन साहब, ओसवाल जी, सभी सरपंच साहब, पूरी सरदारी, आप सबको अब चेयरमैन साहब ओसवाल ने बता ही दिया टिकट टुकट की कहानी, तो और यह गांव से बतावड़ जरूर थोड़ी तो सारा जा गए, पूरा चैनल जुड़े हुए हैं, तो इनको सबको पता है कि भाई टिकट तो हो ही गई थी, मोहर लग गई थी संसदीय बोर्ड में, सब कुछ हो गया था, लेकिन भाई बाप अंडा को मार ली। अब मेरे साथ तो ऐसे ही भाई, पहले भी ऐसे ही भाई, वो जीप के भाई 5 साल आपने चुना, 5 साल तक जितना भी संभव हुआ अपनों ये घर को ये 1 रुपया को काम करे हुए तो बताओ, और कहीं और कोई लाभ उठाया हो तो बताइए। 5 साल तक आपकी सेवा चाकरी पर, जितना भी संभव हो सका वो आपका काम सब किया, और हर व्यक्ति का मान सम्मान किया, और थड़ा गांव से तो मेरा विशेष पहले से ही लगाव रहा है। जब मैं एमएलए आया तो जब भी जगमार सिंह से कह के कई काम करवाया था, सड़क दरवाड़े इधर ये रास्ते वास्ते खुलवाए थे, तो कहने का मतलब ये कि हमने आप लोगों की सेवा की, और बाबा जी मेरे ख्याल में तो आयो ना हुए को, मैं कोई ब्याह शादी में संगी भर के हुए तो मैं आए हो तो मुझे पता ना है, और काम भी 1 रुपया भी न करो। अब मेरो काम तो भाई संदीप एमएलए यहाँ को, एमएलए पूरी विधानसभा को है, और मैं भी वह तो कम काम ना करूँ, थोड़ा कम जोड़ लगा लियो, चाहिए जोड़ लगा लियो अपनी किताब वही में, संदीप ने जो 1 रोड निकाले है वो जो रोड है तो ना वो बड़े हुए वो तो मेरो मंजूर करे हुए, उन लेट चालू करे हुए रुकवा दिए बीच में, मेरा ही करा हुआ है वो दोनों रोड, ये पैसा मंजूर करो ना, वर्क ऑर्डर होगा ना, फिर आचार संहिता लग गई और हमारा राज टूट गए, अन्य कांग्रेस सरकार ने वो पेंडिंग कर दिया हमारा काम, पैसा तो भाई था ही, वो पढ़ा ही था मैं, अगर मैं थोड़ा सा 1 साल बाद करवा रहा, फिर वो कोविड आ गई 1 साल बाद, तो कोविड में से रुक गया, तो इसलिए तो। और सबसे मोटो काम यहाँ करे हो पंचायत मुख्यालय, जो कई पीढ़ी तक थर काम आओगे, जो भी सरकार किसी की सरकार रहे, सरकार की योजनाएं मुख्यालय पहले चालू होती है, कोई योजना हो जाए वो मुख्यालय बनाया, और पंचायत घर हो तो बने, स्कूल फिर 12 को स्कूल बन गए मुख्यालय का नाम, ने 8 को ही तो था रहे। तो अब संदीप से तो 10 गुण काम ज़्यादा न करे होगा मैं, अब अपना एमएलए अपना गांव का क्यों ना कह रहा हूँ, मेरी सही बात क्यों ना मान रहा हूँ, तो फिर बोलो क्यों ना है? ये बूझ रहा है, ये आया ये है ना, रोड निकाला, पंचायत मुख्यालय बनाया, +2 का स्कूल बनाया, स्कूल में कमरे बनाए, तो कहने का मतलब ये है मेरा, नहीं मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने थड़ा को अपना गांव से भी ज्यादा समझा है, और हर काम करने काम किया है, और बल्कि शीतलवाड़ा बैठा होगा तो और नाराज ज्यादा होगा, शीतल की पंचायत मुख्यालय को तोड़ के यहाँ ले आयो, पहली तो खर टूट तो मेरा पहली गई थी, वो सिलारपुर में चला गया था, मैं तो नया ही बनाया, लेकिन मेरा तो वो सिर पड़ गया, जबकि मैंने जो नई बनाई थी, और ताने कलेक्टर में घेर लियो, वहाँ बोल पंचायत घर मर ठा के ले जा रहा, तो बिल्डिंग पहले की बनी थी, अब मैं कलेक्टर घबरा गो भाई, ये औरतें तो और तक साथ लड़ाई ना हो, पुलिस भी ना रोक सके उन्हें, अब मैं तो अपना दिमाग से गाँव की पढ़े लिखे आ दूँ, मैं बोलो माता और बहनों के हमारे छोरी छारी भी वो आग कर दी उनने, अब मैं बोलो बहन जियो माताओ, मैं अगर यो लिखवा के ले लो मेरा थे आए जे जो थारो यो बढ़ रहा पंचायत कर, अगर इन्हें ये 1 टोली पर मात उठा ले जाऊँ तो मैं 100 खा रहा हूँ थारी, आगात गाड़ी हटो, वही भाई औरत थी वो हटकी बोल ठीक करो भाई ठीक करो, तो वो तो अपने वचन भी निभाया, नुक्का को खड़े हो वहाँ, तो ये बड़ी मुश्किल से बनाया था, तो ये और गांव खड़ाकार हमारा बहुत पुराना मेल रहा है, वैसे जो आपको मीडिया वालों बताऊँ जो इतना नरम गांव ना है, जो
ये ठाट से भी करवा ले, न करे तो नेता पकड़ के बैठा दे, बैठ जाओ। तो ये सारा। अब बाबा जी का देख सुन लो, ये एक रुपया काम नहीं करो और भाई ना कर आयो सूद रोड पर निकल जाए, भवाड़ी भग के जाए और सीध रो कार खूब रात तक यहाँ डोल रो। पहले तो 3 बजे तक भाग डोल रो, मुने ढूंढने लाग रो, मैं तो कहीं और चले गो, फिर और इधर उधर भी तलाश करे और फिर जाके सोए रो तक ही। सुबह फिर आयो जब मैं ततार पर, तो जब मार डीजे से मुन भीतर ले जा रहा, जब फिर निकल गए, फिर वहीं पत्र आ गया, फिर कहीं का और है रहा यार, उसका शेड्यूल कहाँ सीखे, कहाँ उससे मुलाकात हो सकती, बात करें तो समझदार बोले महाराज ऐसे सार्वजनिक सामने मिलना अच्छा नहीं है। वो तो कि मैं नहीं कहेगा, लेकिन समर्थक कुछ उक सुख बोल दे, उल्ट सुलट बोल दे, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि उसकी तुलना कर लो, और तो नेता कौन चाहिए, अगर टिकट लिया है, क्यों भाई टिकट तो पहली 15 बार पीटी, 14 बार 15 बार चुनाव हुआ, 14 बार भारतीय जनता पार्टी टिकट हारी है, तो टिकट का क्या है, कोई टिकट का वो नहीं। टिकट पिछली बार पीटी थी हमने, जब टिकट भी देता पिछली बार क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था। तो ये बीजेपी टिकट हमेशा हारी तेरा मेरे अलावा, फर्स्ट में आप ही बने हो, तो फर्स्ट में बने हो तो दोबारा मुंह नहीं बढ़ाओ, जो रिकॉर्ड ना टूटे, बात खत्म। और बाबा जी ने भगा का भगा लाओ, और अगर हमने गलती कर दी जितना वो मेवा ने गलती करी थी ना, रो रहा है अगर वो बूढ़े नवाब जिता दिए, फिर वो नवाब और अब टोलेगा बागड़ को ऊँट हटाना, बागड़ को ऊँट हटाना हटा लो, फंस गए टिकट वही नहीं मिले, चाहे जो और चीपी तो बेगम मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि यो बापो भी हुए नवाब तो कुछ भी ना है सामने, वो तो बहुत बड़ा मठाधीश है, 200 किला तो है कि जमीन एक नीचे है, क्यों कह के दिक्कत तो है ना, कोई कमाई घर की तो है ना, जनता का पैसा है वहाँ, करोड़ों अरब रुपये पड़े है, कितना ही कहीं भी खर्च कर दे। और दो जो महात्मा 2 करोड़ गाड़ी में चले, कमाल हो गया, महात्मा सन्यासी को 2 करोड़ गाड़ी, 4000 कितना मीटर को कपड़ों, वह हम तो 30-40 पर, तो हम तो है गरीब आदमी, देखो वो शहनशाही महाराज है, तो उसकी तो मुकाबला वैसे भारत हो ना है। बाकी इतना है जनता को प्यार और जनता के मैं बीच में रहा हूँ, आप सबको आशीर्वाद रहो। तो गोठड़ा शहर अब ये घूमता हुआ यहाँ तक आ गई हूँ, अब सिद्धार्थपुर साइड में जाऊँ काड़ा का, तो ऐसा जन समर्थन मिल रहा है, अगर आप सबने इसी तरह का दिया जन समर्थन, तो 30 तारीख को बाबू फार्म में बैठे टिकट को वापस लौटाएगा, ये मेरा दावा है। और टिकट नहीं लौटाई तो एक जमान जब्त होगी, अगला MP का आप गया और बाबू हमेशा अगली मठ में चले जाएगा। तो इसलिए बाबा को सुझाव भी दे रहे हैं, हम तो निवेदन कर रहे हैं, कह रहे सद्बुद्धि भगवान ले आए इसको बाबा बलदेव दास कि यो है चुपचाप इज्जत रह जाएगी, टिकट ने लौटा दे ताकि यहाँ भी सही हो जाए और उसकी इज्जत आबरूब रह जाए, नहीं इतना बुरो हारेगो जो आगे कहीं राजनीति लायक रहेगा ही ना, तो अपना जीवन खराब नहीं करे छोटी उम्र में, ये विनती कर रहे हैं इनसे। आप सभी ने तो मान सम्मान रखा और एक एक वोट हमें सोचो ही मत, किंतु कर थारो गाँव तुम कहीं ना सके बस टिकट वोट देंगे, कुछ थारा थपते थपने सबने बिना टिकट वोट नहीं, हम जो कहे वो पकड़ो भाई पंचायत वालों, हम जो जो था करवा देंगे, हैं थारत गांव कहीं ना सके और तो कह भी देखो दो चार अकबर ना टिकट में टिकट में हम क्यों नहीं बिना टिकट। तो ये सारा एक एक मत, अरे भाई मेरा तो कोई छोटी मोटी गलती कहीं की हो गई हो तो उसको माफ़ करना, 5 साल तक आपकी सेवक के रूप में चाकरी करूँगा, ये मैं वचन देता हूँ, हर तरह काम करूँगा, ना थारा कोई बस्ती कोई जब कोई कभी कहीं बस्ती के ऊपर कोई बात आई, बस्ती कोई जद्दा पर लगी, हमने अपनी सारी मर्यादा तोड़ के भी आप लोगों के हमेशा आपके बस्ती के साथ रहे, आप सबका मान सम्मान किया है, विकास किया है, काम भी किया है, तो इसलिए एक एक मत, और मत ही नहीं शब्द को उलाल दबाव करके सबको कहो बोरा जी एक त्यौहार, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आधो बाबा जी तो होपलेस हो चुके, आधो को 60-61% 20-30 रहे हुए, और यो अगर यो कर दी तो निश्चित बता रहा हूँ मैं फार्म नहीं भरेगा।
ये तय समझ लेना आप, क्योंकि फार्म भरने में तो हमेशा अब तो ये नई फार्म भरने हुई चार दिन गए बाबा डर को, और अगर रख दिया फार्म तो जीवन भर डर को कभी बनेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि बाबा जी हार गया तो आगे में एमपी में भी ख़त्म, उसमें भी नहीं होगा, जमान जब्त होगी, हारने की क्या बात है। तो इसलिए सब एक एक बोल, आप सिर्फ रिश्तेदार भी हो वैसे भी आपका सम्मान रखते हैं, आप सभी रखकर जय हिंद जय भारत।